हे गाइस, वेलकम टू पहला अकेडमी। पहला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया ही होंगे। पहला अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हम इकोनॉमिक सर्वे की हमारी क्लासेस चल रही है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी बाय सुमन सारण मिल जाएगी वहाँ पर, और बाय सुमन सारण के द्वारा ही राजस्थान का जो इतिहास, कला और संस्कृति है वो भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पहला अकेडमी का जो पहल ऐप है, पहल अकेडमी का ऐप है, उसके ऐप पर आपको फाउंडेशन कोर्स आरएस का जो भी मिल जाएगा, उसमें मयंक शर्मा सर के द्वारा करवाया जा रहा है, साइंस एंड टेक करवाया जा रहा है, और भी जो हमारे टीचर हैं उनके द्वारा हिस्ट्री करवाई जा रही है, पॉलिटिका जो चल रहा है हमारा। तो आप पहल अकेडमी का ऐप है वो डाउनलोड करके फाउंडेशन कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारी इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लास है वो चल रही है। इकोनॉमिक सर्वे में जैसे हमारी पिछली जो क्लासेज है ना, उसमें हमने बात कर ली 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का, वो चल रहा है। और इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे की हमारी बहुत सारी सेशन हो चुकी है, जिसमें हम वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य है उस पर विस्तार से बात कर चुके हैं। उसे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, वो हमने बात कर ली। मेन्स की सिनॉप्सिस किस प्रकार से बन सकती है, वो हमने बात कर ली। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी हमारा चल रहा है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। कृषि एवं संबंध क्षेत्र चल रहा है, और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में भी बाकी हम कृषि और उससे रिलेटेड जितने भी योजनाएं उस पर विस्तार से हम बात कर चुके हैं। अभी हम जल संसाधन की बात करेंगे, ठीक है। राजस्थान में कितना जल संसाधन उपलब्ध है, जल की जैसे हमारे राज्य में कमी रहती है, तो इसके अलावा इन जल संसाधन है इसका संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। तो वो योजनाएं कौन कौन सी है, और जल संसाधन है इनके प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये प्रीलिम्स कम मेंस में दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, ताकि मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे आया था 2018 में आया था, पूर्वी नहर परियोजना, पूर्वी नहर परियोजना थी वो 10 नंबर में हमारी आई थी, ठीक है। उसी प्रकार जल संसाधन है उससे रिलेटेड मोस्टली तो जो हमारा करंट में चल रही होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं होती है वो ही पूछी जाती हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में चूंकि दी हुई है, तो इसके मेंस में आने के चांसेस भी हो जाते हैं, और प्रीलिम्स में आने के तो चांसेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जल संसाधन, ये भारत सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं जल संरक्षण विभाग और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। सबसे पहले तो हम कोई भी योजना करते हैं तो उसमें ये आने के चांसेस रहते हैं कि किसके द्वारा इसको फंड प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे अगर बाहर की किसी संस्था के द्वारा, जैसे विश्व बैंक हो गया, नाबा एडीबी हो गया, तो उनके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, तो एक तो स्टेटमेंट आने की ये चांसेस रहती है कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है या इसके द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा, जैसे इनका पैटर्न रहता है कि मंत्रालय, हालांकि अभी तक आरपीएससी उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि मंत्रालय का नाम भी पूछ लें या विभाग का नाम, जैसे मंत्रालय होता है भारत सरकार के लेवल पर, विभाग राज्य सरकार के लेवल पर होते हैं, तो ये जल संसाधन मंत्रालय, हालांकि ये जल संसाधन मंत्रालय का विभाग ही है, नदी विकास एवं जल संरक्षण विभाग, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, तो इसको फंड मिल रहा है यहाँ से, तो एक स्टेटमेंट हमारा ये आ सकता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसे आने के चांसेस है कि समावधि कितनी है इसकी, तो 8 साल की है। 8 साल कहाँ से कहाँ तक, 2016 में ये योजना शुरू हुई थी हमारी, और 2016 से लेकर 2023-24 तक है, ठीक है। तो ये पूछने के चांसेज है कि इसकी समावधि है वो 2023-24 तक है या 2023-24 तक ये परियोजना चलेगी, तो हाँ ये दीर्घावधि परियोजना है तो 2023-24 तक चलेगी। राज्य में देखिए तो नोडल विभाग ये भी पूछ लेता है, जैसे आने के चांसेस है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है, इसका राज्य में नोडल विभाग कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए तो राज्य में नोडल विभाग ही हमारा है जल संसाधन, जैसे जल से संबंधित है तो जल संसाधन विभाग ही होगा इसका, ठीक है। पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बिसलपुर बांध और जवाई बांध, ये तो इतनी योजना है, ठीक है। इसमें बता दिया गया मंत्रालय कौन सा है, वित्त पोषण किसके द्वारा हो रहा है, अवधि कितनी है, और नोडल विभाग कौन सा है, जल संसाधन विभाग है, ठीक है।
अभी इसके क्रम में आगे बढ़ाते हुए बोले कि राष्ट्र पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बीसलपुर बांध में और जवाई बांध पर स्कोडा सिस्टम, स्कोडा सिस्टम का पूरा नाम भी आ सकता है हमारे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन किया जा चुका है। स्कोडा सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा पानी के जल के प्रबंधन का एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इतने पानी की नहर में सप्लाई हो चुकी है, इस नहर में पानी की सप्लाई होगी, ये नहर है जो बंद रहेगी, तो इससे किसानों को पता रहता है, ऑनलाइन वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी नहर में पानी छोड़ा जा रहा है, कब तक छोड़ा जाएगा, कितनी मात्रा छोड़ी जा रही है। इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं स्कोडा सिस्टम के माध्यम से कि जो पानी की सप्लाई हो रही है तो कहाँ पे पानी का रिसाव हो रहा है, पानी के रिसाव के साथ साथ कहाँ पे पानी की चोरी हो रही है। तो ये सब पारदर्शी से जल प्रबंधन हो सकता है, स्कोडा सिस्टम कहाँ का चल रहा है ये आने के चांसेस हैं। तो एक तो बीसलपुर बांध पर हमारा स्कोडा सिस्टम चल रहा है और एक जवाई बांध पर हमारा स्कोडा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमारा बन रहा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना है। बांध पुनर्वास जिस नाम से पता चल रहा है कि सरकार के द्वारा बांधों का निर्माण तो कर दिया गया, पर कुछ बांध ऐसे थे जो बहुत पुराने हो गए, पुराने हो गए तो टूट फूट हो गई तो उसमें पानी का रिसाव हो रहा है या उनके टूटने का खतरा रहता है, तो सरकार के द्वारा इनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है या इनमें सुधार किया जा रहा है। तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, जैसे मैंने कहा कि स्टेटमेंट आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने के चांसेस है कि किसके द्वारा वित्त पोषित है ये परियोजना, तो ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। एक तो आप याद ये रखिए कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा ऐसे कि योजना के प्रथम चरण में कौन कौन से बांध शामिल है, ये हमें पता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट दे दे कि योजना के प्रथम चरण में बीसलपुर बांध शामिल है, ये बांध शामिल है, तो छह बांध है जो हमें पता होना चाहिए कि इसमें शामिल है। तो कोई एक्स्ट्रा अगर इसमें दे दिया जाए, आरपीएससी के द्वारा मेंशन कर दिया जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसमें नहीं है। बीसलपुर बांध और जवाई बांध जिस पर अभी अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे स्कोडा सिस्टम लागू हुआ है, ये याद रखिए आप, स्कोडा सिस्टम लागू है इन पे, ठीक है। बीसलपुर बांध, जवाई बांध जवाई पाली में हम, सुकली सेलवाड़ा बांध ये सिरोही में है, सुकली सेलवाड़ा, माही गंभीरी चित्तौड़गढ़ में है, जैसे गंभीरी नदी वहीं बहती है, मातृकुंडिया बांध भीलवाड़ा में, ये अलग से पूछे जाने के भी चांसेज है। जैसे सुमेलित के जे से आ गया हमारे सम्मिलित कीजिए सूची एक को सूची दो से, एक तरफ हमें बांध दे दिए और दूसरी तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट दे दिए कौन सा है, तो बीसलपुर दे जैसे दे दिया, तो बीसलपुर कहाँ पे है, बीसलपुर टोंक में हो गया, जवाई कहाँ पे हो गया, जवाई पाली में हो गया, ठीक है। और ये सुकली सिलवाड़ा सिरोही में हो गया, तो इधर तो दे दिए बांध कौन कौन से और इधर दे दिए जिला कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दिए। अब इनको आप सुमेलित कीजिए, तो ये क्यों, ये आने के चांसेस है। मातृकुंडिया भीलवाड़ा ये पूछा भी जा चुका है कभी, तो ये मातृकुंडिया भीलवाड़ा के लिए योजना लागू की गई है। अब इंदिरा गांधी, ये तो हो गई हमारी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है और इसमें छह बांध है जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब पूछ ले हमसे कि उपनिवेशन क्या होता है, पहले ट्रेंड था आरपीएससी का, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछती थी, हालांकि अब नहीं पूछती, पर बाय चांस पूछ ही ले, हमारी आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है तो पूछा जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि उपनिवेशन क्या होता है। तो उपनिवेशन हमारी इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है ना, उसके अंतर्गत भूमि का आवंटन किया जाता है। भूमि का आवंटन, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि है तो उसे, जैसे सीलिंग सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, तो सीलिंग सिस्टम के अंतर्गत जिसके पास जितनी एक्स्ट्रा भूमि है वो लेके, जिनके पास भूमिहीन किसान है तो उनको भूमि का वितरण किया जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है उसमें सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत अगर भूमि का आवंटन करना होता है ना, तो वो उपनिवेशन में कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जैसे इंदिरा गांधी नहर की बात ही चल रही है, तो इंदिरा गांधी नहर है जिसका अभी पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर में जैसे हमें पता है कि पानी की रिसाव की समस्या बहुत ज्यादा रही है, पानी की रिसाव की वजह से जैसे हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, ये इस प्रकार ये क्षेत्र हैं, इनमें सेम की समस्या हमें देखने को मिलती है। सेम है जो हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ से जो भी स्टूडेंट होते हैं उनसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सेम की समस्या क्या है,
तो रीजन क्या हुआ कि इंदिरा गांधी नहर में पानी का रिसाव होता है, तो कुछ क्षेत्र है जो नीचे की तरफ है, उसमें क्या है पानी का रिसाव होते होते वो पानी से भर गया और नीचे के जिप्सम की परत है, तो इस वजह से पानी नीचे तो जा नहीं पाया और नीचे का पानी उठ के वापस जमीन पर आ गया। जमीन पर आ गया तो इससे एक तो क्या पानी के भराव की समस्या हो गई और दूसरे नीचे जमीन से जो नमक था भूमि में वो नमक भी उसके साथ होकर ऊपर जमीन पर आ गया, तो भूमि खारी भी हो गई और दूसरा क्या हुआ वहां जल भराव की समस्या, दलदली भूमि भी हो गई। ठीक है, ये सेम की समस्या है जो इंदिरा गांधी नहर में देखने को मिलती है। एक तो ये सेम की हो गई, दूसरा इतना रिसाव हो रहा है तो रिसाव की वजह से दूर दराज के जैसे बाड़मेर तक हमारी इंदिरा गांधी नहर जाती है तो वहां तक पानी की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो अगर हम जल रिसाव कम करेंगे तो जो लास्ट हमारा स्टेज है इंदिरा गांधी नहर का, वहां तक पानी क्या है की आपूर्ति ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले हमें बाई चांस इंदिरा गांधी नहर पे अगर शॉर्ट नोट भी आ जाए आरपीएससी में मेंस में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, एक तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, हमें भी पता है कि पूरा कायाकल्प हो गया है पश्चिमी राजस्थान का जब से इंदिरा गांधी नहर आई है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है ये हमें ऐसे लिखने हैं। ठीक है, एक तो सूखा प्रभावित क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति, हमें भी पता है कि पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान में वैसे भी वर्षा कम होती है और पश्चिमी राजस्थान में वहां तक पहुंचते पहुंचते तो बारिश बिल्कुल ही कम हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे जैसे हमें देखने की पेयजल की जल की समस्या रहती है तो एक तो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से वहां पे पेयजल की आपूर्ति करते हैं। दूसरा पुनर्वास की समस्या, वहां पे हम देखने को मिलते हैं कि जैसे पानी की समस्या आती है लोग उस स्थान से हटके दूसरे स्थान पर जहाँ पे जल की उपलब्धता है वहां पर चले जाते हैं, तो क्या है कि वहां लोगों को वापस अपनी जमीन पर बसाने के लिए पुनर्वास हो गया। पर्यावरण और वन सुधार, हमें पता है कि इधर के वैसे अगर हम देखें तो थार का मरुस्थल हमारे विश्व के जितने भी मरुस्थल है उसमें सबसे ज्यादा हरा भरा माना जाता है। इसके बावजूद भी देखते हैं कि हमारे राज्य में बंजर भूमि एक तरीके से आपको ये पता है कि वो उसमें कुछ इतना उत्पादन होता नहीं है, तो पर्यावरण और वन सुधार वहां पे खाली जमीन है, खाली जमीन पे अगर हम वनारोपण कर दे वृक्षारोपण कर दे तो एक तरफ से तो जहाँ हरा भरा भी हो जाएगा और दूसरा क्या हम हमारी जो राज्य में जो वृक्षारोपण का औसत है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा रोजगार का सृजन, रोजगार का सृजन आपको पता है कि जैसे जल गया तो जल के माध्यम से एक तो सिंचाई की सुविधा, उसे सिंचाई की सुविधा हो गई तो कृषि का कृषि कार्य वो भी बढ़ेगा और पशुपालन है उसके लिए भी क्या है पर्याप्त जल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो कृषि प्लस पशुपालन दोनों गतिविधियां हैं हमारे पश्चिमी राजस्थान में बढ़ेगी, तो इससे रोजगार का सृजन हो गया। ठीक है, सिंचाई सुविधा तो मैंने कह दिया जैसे सिंचाई सुविधा हमारे राज्य में, अब इसे ये पूछे जाने के चांसेस है कि इसे सिंचित क्षेत्र, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर है उसे सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 16.17 लाख हेक्टेयर आर्थिक समीक्षा में हमारे दिया गया है 16.17 लाख हेक्टेयर है वो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी नहर की संक्षिप्त जानकारी, हालांकि मोस्टली जो भी राजस्थान से रिलेटेड है उनको इंदिरा गांधी नहर के बारे में सब पता होता है। अभी इंदिरा गांधी नहर का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत निरंतर उपयोग हो रहा है और क्षतिग्रस्त हो गई है, क्षतिग्रस्त होने के कारण जल का रिसाव हो रहा है तो पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है, तो पुनर्निर्माण के कार्य के अंतर्गत मैंने कहा था कि वित्त पोषण कौन कर रहा है तो ये हमें पता होना चाहिए, तो अभी तो जैसे बीकानेर और जैसलमेर दो हमारे क्षेत्र हैं वहां पे इसका पुनर्निर्माण होता है, वहां पे वित्त पोषण किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे वित्त पोषण किया जा रहा है। बीकानेर संभाग की परियोजना, अब इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत बीकानेर संभाग के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है वो मैं बताऊं आपको, तो एक तो दातोर है, एक सांकड़िया है, एक अवाई और एक नाचना। हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये परियोजना जैसे आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि पूछे जाने की संभावना है कि बीकानेर संभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर की ये परियोजनाएं चल रही है, जैसलमेर के अंतर्गत ये चल रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है जो बीकानेर जैसलमेर जोधपुर हनुमानगढ़ गंगानगर ये सभी जिलों के अंतर्गत जाती है ना, तो उनमें कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। जैसलमेर के अंतर्गत शहीद बिरबल शाखा चल रही है, शहीद बिरबल ये उसमें आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है, वैसे तो इसके इंदिरा गांधी नहर की सभी प्रकार की शाखाएं हैं वो आपको इकोनॉमिक जो हमारा
ज्योग्राफी का जैसे ही हमारा सेशन होगा उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर का संपूर्ण तरीके से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। वहां पे इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं हैं वो आपको विस्तार से बता दी जाएगी। यहाँ पे आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत एक ही शाखा दी हुई है, वो है जैसलमेर की शहीद बीरबल शाखा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अटल भूजल योजना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे नाम से पता चल रहा है भूजल योजना, तो हमें पता होना चाहिए कि भूजल है उसको रिस्टोर करने के लिए ये योजना आई है। हमें पता है कि हमारा देश में जल, हमारे राज्य में और देश में क्योंकि जल का वो अधारक जोन है वो बनता जा रहा है, तो जल संरक्षण की जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो खोती चली जा रही है। तो इस वजह से जल का जो पुनर्भरण होना चाहिए भूमि के अंतर्गत वो नहीं हो पाता है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि अटल भूजल योजना को लागू कर दिया। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को लागू की गई। हमें पता है कि आरपीसी का ट्रेंड रहा है कि कोई भी योजना है तो उसकी डेट तो जरूर पूछेगी या तो डायरेक्ट डेट ही पूछ लेगी, या फिर अगर स्टेटमेंट भी आया तो एक स्टेटमेंट ये पक्का होगा कि ये इस डेट को इस वर्ष को लागू की गई। तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को योजना लागू की गई। ठीक है, भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से है। ये देखिए 50-50 है, 50% तो भारत सरकार देगी हमारी, 50% तो भारत सरकार की है और 50% हमारा विश्व बैंक देगा। ठीक है, 50% विश्व बैंक दे रहा है, भारत सरकार 50% दे रही है। 1 अप्रैल 2020 को लागू की गई है। ये लागू कहाँ कहाँ की गई है, देश के 7 राज्यों में लागू की गई है। ये देखिए मैंने हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे भूजल का यहाँ पे क्यों लागू की गई, हमें पता है कि राजस्थान है वो तो राजस्थान और गुजरात और हरियाणा है, ये तो हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र में रह गए। जैसे ये हमारे देश का मैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये हरियाणा, तो ये तो पश्चिमी रह गया। तो यहाँ पे तो बारिश आते आते, जैसे इसकी अगर बारिश यहाँ से आएगी तो ये तो मोस्टली क्या है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पे बारिश हो जाएगी हमारी अधिकतर, और इस वजह से यहाँ पे जाते जाते बारिश कम होती चली जाती है। और अरावली राजस्थान में तो हमें पता है कि अरावली है वो समानांतर है, तो इस वजह से बारिश राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से नहीं होती, ये अरब सागर की शाखा हो गई। ठीक है, इधर वाली देखिए हमें बंगाल की खाड़ी की शाखा की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से क्या होता है कि यहाँ से आएगी बंगाल की खाड़ी और सबसे पहले यहाँ पे टकराएगी, हमारा पूर्वी हिमालय वहां पे टकराएगी। इधर टकरा के अधिकतर बारिश इधर से हो जाती है और फिर यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे जाती है। तो जैसे क्या है, ये समुद्र से इधर की तरफ लैंड की तरफ जाती है, सी से लैंड की तरफ जाती है, तो हवाएं क्या है शुष्क हो जाती हैं और यहाँ तक जाते जाते पानी कम बच जाता है। तो इस वजह से ना तो अरब सागर की शाखा से इतनी बारिश होती है और ना ही बंगाल की खाड़ी की शाखा से, तो हमारा जो देश का पश्चिमी भाग है उसमें क्या है जल की समस्या हमें देखने को मिलती है। अब हरियाणा, गुजरात और राजस्थान की बात तो हो गई, उत्तर प्रदेश यहाँ पे मिड पे आता है, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाग है उसमें भी हमें बुंदेलखंड है क्षेत्र हो गया, वहां पे हमें जल की समस्या देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश भी मिड पे आ गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है दोनों में देखने को मिलती है। और कर्नाटक और महाराष्ट्र कैसे आए, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस वजह से कि इधर से जो बारिश आती है वो पश्चिमी घाट से इतनी बारिश पश्चिमी घाट पे बारिश हो जाती है और उसके बाद ये इसके पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती। और बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ से होते हुए सीधी निकल जाती है तो यहाँ पे भी इस वजह से बारिश नहीं होती है। तो ये क्षेत्र है जो हमारे शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इस वजह से राज्यों में पानी की कमी है और रिस्टोर हमारी हमारा जो पुनर्भरण करने की जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, बावड़ी बना ली, कुएं बना ली, वो धीरे धीरे हम खोते चले जा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि योजना को लागू कर दिया ताकि राज्य में भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए जल के बेहतर प्रबंधन हेतु ये योजना शुरू कर दे। ठीक है, इसके अवधि पूछे जाने की चांसेस है, इसके अवधि हमसे पूछी जा सकती है कि 2024-25 तक है यह योजना। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना थी ना उस पर आरपीसी के द्वारा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लागू होने की अवधि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष तक है,
कौन से वर्ष तक लागू रहेगी, 2024, 2025, 2027, 2026। तो 24, 25, 26, 27 ऐसे दिया हुआ था, तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इसके अवधि 2024-25 तक है, ठीक है। यह योजना राज्य के 17 जिलों, हमारे राजस्थान की बात करें तो कितने जिलों में लागू है, वैसे तो 7 तो राज्यों में लागू है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 17 जिलों में लागू है, ठीक है। अब राजीव गांधी जल संचय योजना की हम बात करते हैं। राजीव गांधी, जैसे मैंने कहा, जल से संबंधित है, तो सरकार जल के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है वो इसके अंतर्गत आएगी। तो ये योजना लागू हुई थी राजीव गांधी का 20 अगस्त 2019 को ये लागू हुई थी राजीव गांधी जल संचय योजना। इसके प्रथम चरण में कौन सी है, तो सभी 33 जिले शामिल हैं इसके अंतर्गत, और 33 जिलों के 295 ब्लॉक के अंतर्गत ये लागू की गई है, ठीक है। 20 अगस्त 2019 डेट पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसमें हो सके सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ ले कि राजीव गांधी जल संचय योजना है वो कब लागू की गई थी, तो हमें पता होना चाहिए कि राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 को लागू हुई थी। इसकी कार्य अवधि 2 साल है, ठीक है, 2 साल कार्य अवधि। उद्देश्य देखिए इसके क्या है, तो उद्देश्य में पता है कि जल संरक्षण और जल संचय उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया कि विभिन्न जो केंद्रीय एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कन्वर्जेंस कर दो। सरकार के पास जितना भी फंड है ना, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए जो चलना है, तो उस फंड का कन्वर्जेंस कर दो, ताकि योजना को लागू कर सके, फंड तो चाहिए योजना को लागू करने के लिए, साथ ही अन्य विभिन्न प्रकार से प्राप्त बजट का उपयोग करके जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। जल संरक्षण करना है, जल संरक्षण के लिए सरकार को फंड चाहिए, फंड चाहिए तो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए जो भी फंड चल रहा था, फंड था, उन सब का क्या किया सरकार ने, कन्वर्जेंस करना है उनका, और अन्य प्रकार से जैसे भामाशाह हो गया, उनका सहयोग ले लिया, तो जैसे पहले चल रही थी ना भामाशाह योजना चल रही थी ना, जो जल संरक्षण के लिए चल रही थी, तो वो जल संरक्षण के लिए योजना चल रही थी, सरकार ने क्या किया उसको, ये तो हमें पता है कि सरकारें जैसे भी आती है तो योजनाओं को बदल दिया जाता है या योजना का नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, तो सब जल संरक्षण के लिए जो पहले भामाशाह योजना चल रही थी तो उसको हटा के राजीव गांधी जल संचय योजना आ गई, सरकार की योजना थी। उसके बाद इसके लिए वो सेम का सेम पैटर्न यहाँ पे लागू है, यहाँ पे भी भामाशाहों की मदद से या जन सहयोग से जितना भी हमें फंड मिल रहा है उसको लेके सरकार के द्वारा क्या कर रहे हैं, कुएं बना दी, बावड़ी बना दी, तो इस प्रकार की जल संरचनाओं का निर्माण करना। तो ये हो गई हमारी राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 से लागू है, ठीक है। ये गाइस, मैंने मेंस का एक क्वेश्चन है सिनॉप्सिस वो तैयार की हम, जैसे पूछे जाने की संभावना है कि जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास, या ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य है वो देखिए जिसमें वर्षा की कमी रहती है, तो हमारी राज्य में के एक जल संकट को देखते हुए सरकार के द्वारा जल संसाधनों का विकास और प्रबंधन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ये यहाँ पे भी काम आ सकता है। अगर इस तरह का कोई ऐसे भी अगर हमारे आ जाता है फोर्थ पेपर के अंतर्गत, तो वहाँ भी हमें थोड़ा बहुत ये डेटा है वो लिखने के काम आ जाएगा, ठीक है। तो राज्य में जैसे हमें पहले बताना होगा कि कुल जल स्रोतों का कितना है, तो पहले ये बता दीजिए कि कुल जल स्रोतों की उपलब्ध मात्रा देखें तो 1.16% है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है 1.16%, ठीक है। इसके अतिरिक्त वर्षा के कम दिन है, यहाँ पे बारिश हमें पता है कि सबसे लेट आती है राजस्थान में, वर्षा के कम दिन है, वर्षा पद्धति में हुए परिवर्तन के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, ठीक है। लगातार 3 रीजन हो गए, पहले तो वर्षा के कम दिन है, दूसरा वर्षा पद्धति में गिरावट आ गया, और तीसरा भूजल का गिरता स्तर है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार के द्वारा राज्य में वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण, वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण करना है, और उपलब्ध जल का न्यायोचित वितरण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें इतना लिखना है, ये लिखने के बाद हम बताएंगे, पहले आपको थोड़ी भूमिका बनानी चाहिए और उसके बाद हम लिखेंगे कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें वो ही करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है कि जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा प्रयास, तो पहले हम जल संसाधन नाम आया तो ये हम बता देंगे कि राज्य में जल की स्थिति क्या है, जल की स्थिति के बाद हम बताएंगे कि विकास और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो वर्ड टू वर्ड जाएंगे, हम देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है।
फिर राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास, जैसे अभी मैं हम सब पढ़ के आए वो राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास थे, सबके सब यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं और कुछ ही अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे राजस्थान के मरु क्षेत्र में जल पुनर्गठन परियोजना चल रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रीलाइनिंग का कार्य इसके मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये जल संरक्षण ही हो गया ना, इंदिरा गांधी नहर में पानी का रिसाव हो रहा था तो उस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, मरु क्षेत्र में जल पुनर्गठन की परियोजना चला दी। राजीव गांधी जल संचय योजना, इतना लिख के मत छोड़ना आप, इसके आगे जैसे मैंने तो पीछे अभी आपको करवाया है तो इस वजह से आगे नहीं लिखा, तो यहाँ पे हमें बताना चाहिए कि कुएं बावड़ी आदि के परंपरागत जल स्रोत है उनके निर्माण के माध्यम से सरकार जल संरक्षण का प्रयास कर रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें वाटर सेड कंपोनेंट है उनका निर्माण किया जाएगा और उसके माध्यम से जल संरक्षण करेंगे। अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य करना, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, ये प्रीलिम्स में आ भी चुका हूँ कि कौन सी जो सिंचाई परियोजना है जिसके अंतर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है उसको अनिवार्य किया गया है, तो नर्मदा नहर परियोजना है, इसके माध्यम से ये देश के एकमात्र परियोजना है जिसके अंतर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है उसको लागू किया गया है, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है। उसमें आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि एक बार आ गया तो दोबारा से क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर से आने की संभावना है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत है, ठीक है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताए थे 6 बांध थे जिनके पुनर्वास और सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, किसके सहयोग से, वित्त पोषित था विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है। लास्ट में इतना लिखने के बाद हमें कंक्लूजन पक्का लिखना है, कंक्लूजन क्या निकला हमारा इसका, ठीक है। तो कंक्लूजन ये लिखना है कि राज्य में सतत एवं सफल प्रयासों से रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के अतिरिक्त भूमिगत जल स्तर बढ़ा है, पेयजल सुविधा की उपलब्धता भी बढ़ी है, ठीक है। सरकार के किए गए प्रयास है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम लास्ट में हमें इसका एंड करना है कि सतत प्रयास से सिंचाई की सुविधा भी बढ़ गई, जल स्तर भी हमारा बढ़ गया, भूमिगत जल स्तर और पेयजल की सुविधा भी, और कुछ भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन की डिमांड हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। और इकोनॉमिक सर्वे की जो पहले की आपको क्लासेस देखनी है तो पहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इकोनॉमिक सर्वे बाय अंशु सान आपको वहां पे पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो वहां आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।